औद्योगिक नगरी पीथमपुर में लंबे इंतजार के बाद ईएसआईसी अस्पताल का वर्चुअली भूमि पूजन प्रधानमंत्री के हाथों संपन्न हुआ। अधर में लटके इस अस्पताल का श्रमिकों को पिछले कई सालों से इंतजार था, जो आज जाकर समाप्त हुआ है। उद्योग क्षेत्र में 100 बेड का ईएसआई अस्पताल लगभग 125 करोड़ की लागत से 8 एकड़ में जल्द ही बनकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली से ईएसआईसी के प्राइवेट का शिलान्यास किया, जिसमें पीथमपुर में बनने वाला ईएसआईसी अस्पताल भी शामिल रहा। इस अवसर पर ईएसआईसी द्वारा स्थानीय स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली से किए गए उद्घाटन का सीधा प्रसारण हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, धार विधायक नीना विक्रम वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष सेवंती सुरेश पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता संजय वैष्णव, श्रम कल्याण मंडल संचालक अमृत जैन, सुभाष जायसवाल सहित कई गणमान्य उपस्थित। पीथमपुर से संजय सोनगढ़ की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री जी जब बोल देते हैं तो उसके बाद हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, पर आज इस मंच के ऊपर सम्मानी वर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री सावित्री जी, जो बिटिया तेजी से, और हमारे मार्गदर्शक और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय वर्मा जी, हमारी लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाभी विक्रम वर्मा जी, हमारी नगर पंचायत के अध्यक्ष और भाभी, और यहाँ पे उपस्थित हमारे, लेकिन उस समय इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा भी प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया बताया आपको, ये देश के अंदर नहीं फैला, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज ही नहीं थे। मुझे याद है किसी जमाने जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था तब केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे, केवल 7, 100-100 200-200 की सीट हुआ करती थी, 700-800 डॉक्टर निकलते थे। पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो देश में 5 नए एम्स खोले गए थे, एक भोपाल में भी खुला था, एक छत्तीसगढ़ में खुला, अन्य प्रदेशों में सुविधाओं को। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में 7 ऐसे जो आज शिलान्यास हुए हैं, उसमें हमारा पीथमपुर भी, हमको बहुत बड़ी सौगात मिली है। माननीय वर्मा जी, विक्रम वर्मा जी आज से नहीं, कई सालों से इस पीथमपुर को, धार को सौगातें दे रहे हैं। हम कह रहे कि आज हो जाए, पर हम अरे वर्मा जी के अथक प्रयास रहे हैं, हमारी भाभी विधायक नीना वर्मा जी और डॉक्टर मोहन यादव जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ के लोगों को जो औद्योगिक यहाँ है, कर्मचारी और सब कुछ है, तो यहाँ के लोगों को ये सुख सुविधाएं मिलेगी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नया चुनाव के पहले घोषणा जो की थी कि 70 साल से ऊपर वाले लोगों को आप स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, ये बड़ी सौगात है लोगों के लिए। आज धनतेरस के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया एक इतिहास रचा है, जो बुजुर्गों को, जो असहाय लोगों को, जिनका कोई सहारा नहीं, ना इस उम्र में ना उनके पास कमाने का कुछ रहता है, ऐसे लोगों को आज वो दिल से दुआएं देंगे प्रधानमंत्री जी को, ऐसे लोगों को उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाएँगे। आज हम गर्व से कह सकते हैं आज हमारे पीथमपुर के लिए बड़ी सौगात है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।